जी शुक्रिया। मैं पहले भी आपको बता के गई थी कि इस वक्त अपोजिशन के मेंबरान जो इस वक्त अपनी लॉबी में मौजूद हैं, वहाँ पे हालत यह है कि पंजाब असम्बली के जो सिर्फ लॉबी के जहाँ पे अपोजिशन के लॉबी है वहाँ पर एसी बंद कर दिया गया है, वहाँ का पानी बंद है, वहाँ का वाईफाई बंद है। और अब तो ये नौबत है, और आपने यहाँ पे क्लिप बनाए हैं अभी, कि जो हमारे मेंबरान की दवाइयाँ हैं या पानी और खाना है, वो लोग जिनके रोज़े नहीं हैं वो तक यहाँ पर जो है वो स्टॉप कर दिया गया है, उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो मैं हमजा साहब की जो है वो हदायत पर यहाँ पर अनायतुल्ला लख और मोहम्मद खान भट्टी जो इस वक्त परवेज़ इलाही के साथ एसी वाले कमरे में बैठे हैं, उनको मैं पैगाम देने आई हूँ कि शर्म करो, रोज़ेदारों की भी बददुआएं ले रहे हो और जो ज़ईफ़ लोग हैं जिनके रोज़े नहीं हैं उनकी सेहत और ज़िंदगियों से भी खेल रहे हो। और उनका बड़ा कैटेगोरिक पैगाम पीएमएलएन की तरफ से इनको देना चाहते हैं कि बहुत थोड़ा वक्त है ये वक्त बदलने में, और हम कैटेगोरिकली आपको तनबीह करना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून आप लोगों के साथ आहनी हाथ से निपटेगी। आपके एक एक जुर्म का हिसाब जो है वो आपसे लिया जाएगा। जो आप इस वक्त रियासत के मुलाजम नहीं हैं, आप चौधरी के परवेज़ इलाही के मुलाजम, ज़ाती मुलाजम बनकर काम कर रहे हैं। और अभी हम इन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर तमाशा लगा के, प्लान तमाशा लगा के इलेक्शन रोका, तो अब फिर मेरा ख्याल है कि हमें ये इजाज़त होनी चाहिए कि हम अनप्लान जाकर अब ख़ुद कोशिश करें कि हम अपने जो है वो सप्लाई पानी की और बिजली की और एसी की जो है वो चलवा सकें। और उसके बाद फिर ये है कि हालात की जिम्मेदारी जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली और सेक्रेटरी असम्बली और अनायतुल्ला लख के ऊपर होगी, और इनसे इन चीज़ों का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। ये कैटेगोरिकली सिर्फ ये इंतबाह करने के लिए मैं आपके सामने जो है वो हाज़िर हुई थी। बड़ी मेहरबानी जी।